फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज ये जो मैं पार्ट वन दिखाया था, इसके बाद ये पार्ट टू है। ये देखिए प्रसादम हॉल है और यहाँ पे 30 रुपीज़ लगते हैं पर पर्सन के खाने का, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ पे मिलता है। और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोग को थोड़ा वीडियो डाल रही हूँ। लेट हुआ है यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए। प्रसाद भी करके मिलता है, मैं आपको बता दूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे खाना मांग रो रॉकी चेड़े। तो फ्रेंड्स, ये जो हॉल है ना, बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर कम से कम हम लोग ज़्यादा से बहुत लोग 1000 लोग तो खा ही सकते हैं, क्योंकि ये वाला एक हॉल है, इसके बगल में और एक हॉल है। सो इस तरह से पीढ़ा जैसा आगे में सब बना हुआ है और नीचे में आसन बिछाया गया है। फ्रेंड्स, प्रसादम जो हॉल है उसमें जो खाना दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हमें पत्ता और एक ग्लास मिला है और यहाँ पर हमारी दादी लोग सब बैठी हुई है खाने के लिए। सबसे पहले तो पानी आके दिया जाता है, सबको पानी देने के बाद फिर जो है खाना देना स्टार्ट होता है। तो खाने में बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स यहाँ पे थे फ्रेंड्स। कोई अगर गया नहीं है ना मायापुर, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाएं। और यहाँ पे यहाँ का जो भोजन है बहुत ही अच्छा टेस्टी है। और देखिए यहाँ पर अभी फर्स्ट में खिचड़ी दी जा रही है, और खिचड़ी का जो स्वाद था मैं क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी था। मन कर रहा था कि और खिचड़ी खाऊं, बट मैं नहीं खाई। फिर चावल वगैरह देना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे देखिए ये पोई, आलू, ढींगड़ा, ये सब का सब्जी एक था मिक्स, बहुत ही टेस्टी था। ये भी बहुत अच्छा, आपको 30 रुपये में कहीं पर भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे जितने खाना मिल रहा था। फ्रेंड्स, खिचड़ी वगैरह खाने के बाद फिर से उन्होंने चावल दिया और दाल, उसके साथ एक सब्जी, मतलब दाल थी, सब्जी थी और एक दो सब्जी थी और एक आमरा की चटनी थी। तो ये सब हम लोग खाने के बाद फिर रूम में चले गए थे। फिर शाम को मैं गाइस, तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं आरती देखने के लिए। तो बस वहीं पे जाऊंगी, बट आप लोग से आरती में शेयर नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है। सो मैं बाहर का जो भी कुछ होगा आप लोग से दिखाऊंगी। और हम लोग जाएंगे गदा भवन प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो वहाँ का जो भी वीडियो रहेगा आप लोग से शेयर करूंगी। और हम लोगों ने ये वाला रूम लिया है, ये ज़्यादा दाम का नहीं है, दिन का सिर्फ 100 रुपया है, क्योंकि उतना हम लोग को, ये हम लोग के लिए बहुत है। तो हम लोग बस ये वाला रूम लिया है और अभी मैं देखिए ये वाला साड़ी पहन के रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो चलिए आप हम लोग के साथ, और आपको भी मैं दिखाऊंगी, जो कुछ भी दिखाने लायक होगा मैं आप लोग से शेयर करूंगी, ठीक है? तो बाय, चलिए फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ। डाली, तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं बाहर शाम के टाइम में संध्या आरती देखने के लिए। तो यहाँ पे आंटी लोग भी सबको हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे 4 रूम हम लोगों ने लिया है, हम लोग 2 रूम अंकल आंटी ने लिया है क्योंकि उनके लोग ज़्यादा हैं, और हम लोगों ने अलग से एक रूम लिया है और एक अंकल आंटी जो हैं वो अपना रूम अलग से लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी हम लोग निकल चुके हैं, चलिए चलते हैं शाम को। कहाँ जाती हूँ मैं आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। मेरे अंकल आंटी लोग के साथ आई हूँ, तो जहाँ जहाँ जाऊँगी आप लोग से शेयर करूँगी। और चलिए सबको हम लोग ग्रुप बना के आए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं फोटो खींचने है। ये है गोविंदा रेस्टोरेंट। सो अभी हम लोग यहाँ तो जाना नहीं है, फिर भी मैं आप लोग से बस शेयर कर रही हूँ। और ये टेम्पल जो बड़ा सा बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं दिन में पूरा अच्छे से आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स हम लोग आरती देखने के लिए जा रहे हैं। सो ये भवन है यहाँ पर भी, मतलब ये एक जैसे कि हम लोग रूम लेके रह रहे हैं ना, ये भी एक भवन है। यहाँ पर भी जो थोड़े दाम वाले रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, मतलब थोड़ा हाई क्वालिटी। सो हम लोग यहाँ पे देखिए ये गदा भवन है,
गेस्ट हाउस रिसेप्शन दोनों ही है। सो हम लोग यहाँ पे भी रात का खाना यहाँ पर हम लोग खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं जा रहे खाना खाने के लिए, तो अभी थोड़ा सा हमें घूमना है इधर उधर। तो मैं इधर आई थी घूमने, तो आप लोगों को मैं दिखा रही थी। और इसके बगल में ही मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे कपड़े वगैरह सब कुछ मिल रहे थे, और लड्डू गोपाल के स्वेटर, ज्वेलरी, उसके बाद मुकुट वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। ये देख सकते क्योंकि अभी ठंड का मौसम आने वाला था। और यहाँ पे देखिए कितने सारे मुकुट थे, ड्रेसेस थे, ज्वेलरी थे, बहुत कुछ यहाँ पे मिल रहा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली थी आप सभी के लिए। और फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ, रात का टाइम है। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे लाइन लगाए हैं क्योंकि हमें खाना खाने जाना है, रात का डिनर जो है करना है। सो यहाँ पे हम लोग लाइन लगाए हैं गदा भवन में, आज हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। और यहाँ का पर पर्सन 50 रुपीज़ है मतलब। और यहाँ पे देखिए हम लोग, यहाँ पे पार्क था तो वहीं पर हम लोग बैठे हुए थे। सो यहाँ पे देखिए कमल का जो फूल होता है ना, वो सब एक टब में बहुत अच्छे से लगाया गया था। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हॉल अभी लोगों से, लोग अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं क्योंकि ये 8:30 बजे खुलता है। सो अभी हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और बैठेंगे। देख सकते हो कितने अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पे किया हुआ है यहाँ का भी। ये मार्बल का है पूरा हॉल। और यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा दिया जाता है, सुनी हूँ तो मैं फिर जब मतलब अच्छा ही था, सारा खाना अच्छा ही था। और अभी हम लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं, और मैं छोटे बाबू को लेके नहीं आई हूँ ना, तो थोड़ा सा मन मेरा उधर है। वीडियो मैंने उतना अच्छा से नहीं शूट किया है, जो भी है थोड़ा मोड़ा शूट किया आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और आप लोग को एक गुड न्यूज़ देना था कि मेरा $10 कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो, ताकि लोग मेरे वीडियोज़ को देखें और मेरा सपोर्ट कर पाएँ, ताकि मेरा जल्दी जल्दी $100 भी कंप्लीट हो जाए। सो आप ही लोग का दया है, आशीर्वाद है, यही सब। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आज आप लोग की वजह से मेरा जो है $10 कंप्लीट हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ। जो भी मैं गुस्से से अभी मैं बीच में ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ब्लॉग्स इतने अच्छे चल ही नहीं रहे थे, तो वीडियोज़ में डालना बंद कर दी थी। आप सभी को पता ही होगा जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं। सो फ्रेंड्स अभी $10 कंप्लीट हो चुके हैं, तो सोच रही हूँ फिर से कमर भीड़ लूँ और वीडियोस डेली डालने की कोशिश करूँ, देखती हूँ कहाँ तक मैं सफल होती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ बैठ गए। तो सबसे पहले उन्होंने पानी दिया और नमक दिया। नमक ज़रूरी है क्योंकि कोई खाने में नमक कम होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो देखिए सबसे चावल दिया है उन्होंने, और कच्चू आप लोग जानते होंगे, कच्चू आलू का सब्जी है और रोटी है, और मटर आलू की भी सब्जी थी। मतलब ये सब वो वहाँ पे वो दे रहे थे। ये देखिए मटर आलू की घोगनी थी, और एक मिस्टी भी दी जाती है यहाँ पे। रोटी देख सकते हो ये मशीन में शायद बना हुआ, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा रोटी बना था। तो मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को खिलाती थी, उसके बाद मैं खुद खाती थी क्योंकि उनको भी मैं लेकर गई थी साथ में, और उन्हीं का जगह हो उनको ना लेके जाएं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है फ्रेंड। शूट नहीं किया है, बस ये यहाँ का जो भी थोड़ा मोड़ा जगह ही थी, तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भी मायापुर गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए पापड़ यहाँ पे मिल चुका है, और बार बार एक हाथ में मोबाइल लेके काम करना और एक हाथ से खाना नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से ऐसे हो जा रहा था। और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, फिर से रोटी उन्होंने देखे गए हैं, चावल देखे गए हैं, बहुत ही अच्छा खाना था। आप लोग जब जाओ ना ज़रूर ट्राई करना। और देखिए मिस्टी मिल चुकी है, अभी खाना पीना कंप्लीट हुआ है, और अभी जस्ट हम लोग हाथ वगैरह धोए, अभी अपने रूम में जाएंगे। तो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोग को नए ब्लॉग और नए वीडियो के साथ। तक लिए आई लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मिलती है, सब हाथ वगैरह धोते, तो अभी जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। आप लोग को फिर नेक्स्ट डे में मिलती हूँ, और नेक्स्ट डे में मैंने क्या क्या किया नहीं किया सब कुछ मैं आप लोग से शेयर करूँगी, कहाँ कहाँ गई थी घूमने। आप सभी को सारा मंदिर में दिखाऊँगी, क्योंकि कल सुबह हम लोग जो है ना पूरा बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए, मंदिर वगैरह जो है सब देखने के लिए। तो आप लोग से भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को
मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे जो न्यू वीडियोस आएंगे आप लोग ज़रूर देख पाओ। और कोई नए हैं फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग से हमली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगर इसके आगे का वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिनों में सारे वीडियोस आप लोग तक शेयर कर दूंगी। और मैंने साई व्रत जो है स्टार्ट किया है तो उसी का एक वीडियो है मैं आप लोग से वो भी शेयर करने वाली हूँ आगे। तो फिर मिलते हो आप लोग नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।